आगरा ब्रेकिंग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला। अखिलेश यादव ने जिन्ना यह संबंध में दिया है आपातजनक बयान। भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पचकुइयां चौराहे पर फूंका पुतला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले जिन्ना को लेकर जो बयान दिया और जिन्ना का जो महामंडप किया उन्होंने, जो गुणगान किए, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करा। और हम सबको तो पहले से मालूम था, जो अपने बाप का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, पार्टी का नहीं हुआ, वो देश का क्या हुआ। ऐसे देश के गद्दारों को, ऐसी तालिबानी मानसिकता रखने वालों को, जो समाज को, देश को, प्रदेश को विभाजन करने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास रखते हैं, और जिन्ना जिनका आदर्श हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की अखंडता और एकता को काम करने का काम किया, और उसी संकल्प को लेके एक देश, अखंड देश, एक देश, हमारा देश भारत को उसी विचारधारा पे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे लेकर जा रहे हैं। तो आज जो अखिलेश यादव ने अपनी मानसिकता तालिबानी जो अपनी उन्होंने जिन्ना के गुणगान करके स्पष्ट की है, उसी पे हमने ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे लोगों को, अखिलेश जी को सलाह देनी चाहता हूँ कि साहब वो पाकिस्तान चले जाए और वहीं जाके स्थापित हो जाए। देश की जनता और प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी, और आगामी पिछले विधानसभा में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, और इस बार पूरी 0 रिजल्ट के संग विधानसभा में उनका जब 0 रिजल्ट आएगा, तो इस बात का उत्तर उनकी देश विरोधी और देश को, जनता को बांटने का उदाहरण उनको अपने सामने देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।